नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय बूंदी की ज्योग्राफी की एसोसिएट प्रोफेसर मैं डॉक्टर निधि खिंदुका जैन आपका आज की ई क्लास में अभिनंदन करती हूँ। इससे पहले वाले ई क्लास में हमने राजस्थान के एक जनरल इंट्रोडक्शन ज्ञात किया था, जिसमें हमने राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन किया था। आज हम राजस्थान के प्रशासनिक स्वरूप का एक जनरल इंट्रोडक्शन ज्ञात करेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है, हम कोटा विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्ष के भूगोल विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान का भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। इस प्रश्न पत्र का सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है राजस्थान और जनरल इंट्रोडक्शन, और उसमें हमने पिछले वीडियो में राजस्थान का भौगोलिक स्थिति का अध्ययन किया था। आज हम राजस्थान के प्रशासनिक स्वरूप का अध्ययन करेंगे। ये हमारे सिलेबस टॉपिक राजस्थान और जनरल इंट्रोडक्शन का सेकेंड पार्ट है। प्रीवियस लेक्चर में जब हम राजस्थान की ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात कर रहे थे, तो हमें ये ज्ञात हुआ था कि राजस्थान भारत के नॉर्थ वेस्ट में स्थित एक राज्य है, जो भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित राज्य है। यह पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित राज्य है, और भारत में एरिया वाइज यह सबसे बड़ा राज्य है। यह भारत के टोटल एरिया का 10.74% कवर करता है। प्रशासनिक दृष्टि से अगर हम आज के राजस्थान को देखें, तो जिस तरीके का इसका संगठन आज है, वह उस समय नहीं था जब भारत स्वतंत्र हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 19 रजवाड़े और 3 रियासतें थीं। वर्तमान राजस्थान की निर्माण प्रक्रिया मार्च 1948 में प्रारंभ हुई और 6 चरणों से गुजरते हुए नवंबर 1956 में समाप्त हुई, जब राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में भारतीय गणराज्य का हिस्सा बना। वर्तमान में राजस्थान का प्रशासनिक दृष्टि से 7 संभागों में विभाजित किया गया है। मतलब इन राजस्थान वी हैव 7 एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिविजन्स। ये जो सब डिविजन्स हैं वो हैं अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। एडमिनिस्ट्रेटिवली राजस्थान को 33 डिस्ट्रिक्ट्स में भी डिवाइड किया गया है। ये 33 जिले हैं अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, हनुमानगढ़, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, बारा, दौसा, राजसमंद और प्रतापगढ़। इन 33 जिलों में से 4 जिले बारा, दौसा, राजसमंद और प्रतापगढ़ बाद में बने हुए जिले हैं। राजस्थान का प्रशासनिक हेडक्वार्टर या राज्य की राजधानी जयपुर है। तो
प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान को 7 सब डिविजन्स या 7 संभागों और 33 जिलों में विभाजित किया गया है और राजस्थान का कैपिटल या राज्य की राजधानी जयपुर है। यह था राजस्थान के प्रशासनिक स्वरूप का एक सामान्य परिचय। धन्यवाद।